हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेडीज टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक परीक्षा पहले दो दिन क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मेरे पास आ चुके। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे बता दूं, अगर आपने अभी भी एमपी परीक्षा ऐप से अगर अपनी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो दोस्तों यकीन मानिए आप उन लाखों बार से अभी भी पीछे हैं जो ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, तुरंत जाइए, हमारे कूपन कोड अप्लाई कीजिए LTFGOV50 और पूरे 50% ऑफ से अपनी टेस्ट सीरीज परचेज करें। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन चेक करें, चलते हैं डायरेक्ट खबर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, फर्स्ट फरवरी को पूछा गया है लाडली लक्ष्मी योजना कितने वर्षों में पूरी होती है। दोस्तों मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने अभी आपको आंसर्स नहीं बताया। आंसर्स आप अभी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जो शाम को वीडियो आने वाली है उसमें आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे कम तापमान रहता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस जिले में है। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं दोस्तों, वो है, वॉक्साइड किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके सभी के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे चांदी का पर्यायवाची पूछा गया था, फुटबॉल से रिलेटेड, फुटबॉल खेल से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको एग्जैक्ट यहाँ पर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इन सभी के क्वेश्चन के अलावा दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन पता है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो रस का उदाहरण पूछा गया था। दोस्तों, अब कौन सा रस है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चला है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पाक जल डमरू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं चला है, अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं आज। अब दोस्तों, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हिंदी में देखा जाए तो अलंकार, रस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी को दोस्तों क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, अभी मेरे पास इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको पता है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप नीचे मेरी मेल आईडी भी यहाँ पे देख सकते हैं, मेल आईडी में भी आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। और दोस्तों, पेपर का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। इसके अलावा दोस्तों, किसी तरह का डाउट में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।